सब गाइस स्वागत है आप लोग की और एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं टेस्ट करने वाला हूँ सिमरेल द रेलवे सिमुलेटर गेम इन माय लोयल लैपटॉप जो i3 8th generation और इंटेल G620 एक लैपटॉप है। इसमें मैं टेस्ट करने वाला हूँ सिमरेल गेम और दिखाऊंगा आप लोगों को मुझे कितना पीस मिलता है इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपको भी मेरे जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है तो आपको पीस देखने के लिए मिलेगा इन दिस गेम। अगर आपको थोड़ा से बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला पीसी या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना पीस मिल सकता है इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। तो गाइस वीडियो को पूरा देखते रहना। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा है ग्राफिक सेटिंग्स की, कौन से ग्राफिक सेटिंग्स में मैं इस गेम को टेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो मैंने रेजोल्यूशन रखा है 1280x720p वीसिंग डिजेबल रखा है। यहाँ पर जो सेटिंग्स देखते हो उसको मैंने वेरी लो पे सेट किया है। तो उसके थ्रू जो सेटिंग्स आप लोग देख सकते हो तो नीचे सब कुछ लो सेटिंग्स पे ही मैंने सेट किया है। तो बेसिकली यहाँ पे सेटिंग्स पे वेरी लो कर दिया हूँ, इसके थ्रू जो है सब सेटिंग्स लो हो गया है ऑटोमेटिक। तो सिंपली 720p लो सेटिंग्स पे मैं इस गेम को टेस्ट करूंगा और दिखाऊंगी आप लोग को मुझे कितना पीस मिलता है इन दिस गेम। आप लोग देख सकते हो मैं सीधा आ गया हूँ गेम पर। अभी जो मुझे FPS देखने के लिए मिल रहा है 17 का मुझे FPS देखने के लिए मिल रहा है, 18 का FPS, 21 का, 20 का FPS। तो बेसिकली बोल सकते हो जो FPS मुझे देखने के लिए मिल रहा है इन दिस गेम वो अराउंड जो है 20 का FPS गाइस बेसिकली मुझे देखने के लिए मिल रहा है। जो मुझे लगता है मतलब एवरेज FPS है फॉर प्लेइंग दिस गेम, मतलब 20 कभी कभार 20 प्लस FPS भी चल रहा है। तो एवरेज FPS है फॉर प्लेइंग दिस गेम इन लो एंड PC। अगर आपके पास लो एंड PC है तो सिंपली आप लोग जो है नॉर्मली इस गेम को आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो, ऐसे नहीं कि खेल नहीं सकते। तो उसके थ्रू जो FPS मिल रहा है मैं नॉट बैड कहूँगा। गाइस बात की जाए इस गेम की ऑप्टिमाइजेशन को लेकर तो एक्चुअली गेम में जो ऑप्टिमाइजेशन है मैं कहूँगा एवरेज ऑप्टिमाइजेशन है, नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी बैड। ऐसा भी नहीं, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब है या फिर ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बहुत ही जो है अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, जो है मतलब ठीक ठाक है फॉर प्लेइंग दिस गेम, नॉट बैड एक्चुअली। तो उसके थ्रू जो ऑप्टिमाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है उसके थ्रू मैं कहूँगा जो है एवरेज ऑप्टिमाइजेशन है, गुड है। गाइस अगर आपका भी मिला जैसे सिमिलर स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है तो आपको भी सेम FPS देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको थोड़ा उससे बेटर या लो स्पेसिफिकेशन वाला PC या लैपटॉप है आपको अपना स्पेसिफिकेशन कमेंट करना है। मैं कमेंट के रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि आपको कितना FPS मिल सकता है इन योर स्पेक्स इन दिस गेम। एंड गाइस अगर आपके पास इंटेल HD ग्राफिक्स है इवन विथ 4GB रैम भी है तो भी मुझे लगता है आप जो इस आपके स्पेसिफिकेशन पे इस गेम को ट्राई कर सकते हो। बट 8GB रैम है तो आपको ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलेगा फॉर प्लेइंग दिस गेम। मतलब अगर आपके पास 8GB रैम है तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से आप इस गेम को जो है आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो इंटेल HD ग्राफिक्स के साथ। गाइस बात कीजिए गेम के बारे में तो एक्चुअली ये जो गेम है ये एक रेलवे सिमुलेटिंग का गेम है। इसमें आपको ट्रेन को सिमुलेट करना है, आपको ट्रेन को जो है मतलब चलाना है, ड्राइव करना है। एंड कोई मिशन वगैरह मतलब कोई स्टेशन वगैरह अगर दिया जाए तो उस पर जो है आपको ले जाना है। एंड बहुत सारा जो है इसमें मिशन है, मतलब रेलवे को सिमुलेट कर सकते हो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से। आपको आप जो है इस गेम को खेल सकते हो, बहुत ही ओरिजिनल एक एक्सपीरियंस आएगा। एंड ग्राफिक क्वालिटी की बात की जाए तो अगर आपके पास बहुत बढ़िया अच्छा खासा ग्राफिक क्वालिटी आपको चाहिए तो आपके पास अच्छा स्पेसिफिकेशन है तो उसमें जो है आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से अच्छी ग्राफिक क्वालिटी के साथ इस गेम को आपके स्पेसिफिकेशन पर खेल सकते हो। बट अगर आपके पास लो स्पेसिफिकेशन है तो सिंपली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लो ग्राफिक्स में खेलो तो आपको ज़्यादा अच्छा खासा मतलब जो है बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। बट ग्राफिक ओवरऑल जो मिलता है ठीक ठाक मिलता है। एंड ऑल्सो बेसिकली गाइस दिस गेम इज प्लेबल ऑन इंटेल G620। अगर आपके पास इंटेल G620 पे है तो आप लोग इस गेम को स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो, आपको उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम गाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप इंटेल G620 पे इस गेम को चला सकते हो, मैं सिंपली कह सकता हूँ कि अगर आपके पास इंटेल G620 है तो आप लोग जो इस गेम को एक्चुअली आपके स्पेसिफिकेशन पे खेल सकते हो। आप लोग चाहो तो ज़रूर इस गेम को ट्राई कर सकते हो आपके स्पेसिफिकेशन पे। एंड गाइस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा गाइस, वीडियो आज के लिए इतना था। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। एंड चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर कॉल कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।